नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। तो हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें होता यह है कि उसमें दो तरह के कैपेसिटेंस पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस और दूसरा होता है स्टोर्ड चार्ज कैपेसिटेंस। दो अलग अलग कैपेसिटेंस हैं। बात करेंगे कि आखिर ये कैसे डेवलप होते हैं हमारे पीएन जंक्शन डायोड में और इनको कैसे हम यूज करते हैं और किन किन पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल बात करने वाले हैं स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने ले लिया, ठीक है, तो जब पीएन जंक्शन डायोड ये इसकी क्या होगी, जंक्शन होगी। तो अगर मेरा ये पी है और ये मेरा एन है, तो जब ये जंक्शन फॉर्म होता है तो होता ये है कि यहां के जो पॉजिटिव होल्स होते हैं और यहाँ के जो नेगेटिव क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूज करते हैं। बट उनके जो चार्जेस होते हैं या इमोबिल आयन्स होते हैं वो इस डिप्लीशन लेयर के पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो होता ये है कि इस जंक्शन के पास वो इकट्ठे हो जाते हैं, एज जैसे कि मैं बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर होल्स चले गए तो नेगेटिव और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जंक्शन के पास में ये इमोबिल आयन एक्युमुलेट हो जाते हैं जो कि एक फील्ड डेवलप करते हैं जो कि डायरेक्शन जिसकी होती है एन साइड से पी साइड की ओर, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन विथ, और इसके पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं वीबी से, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर है ये डिपेंड करती है पहली चीज आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन पर, डोपिंग कंसंट्रेशन पर। अब ये डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी कौन सी डिप्लीशन विथ या डिप्लीशन लेयर, ये कौन डिपेंड कर रहा है, डिप्लीशन लेयर। अभी क्यों डिपेंड कर रही है डोपिंग कंसंट्रेशन पे, कैसे डिपेंड करेगी, अगर आपने डोपिंग क्या कर दी हाई, यानी कि पी और एन साइट्स हमारे हो गए हाईली लोड, तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो क्या हो जाएगी, नैरो। अगर आपने डोपिंग रखी है लो तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो कैसी होगी, ब्रॉड। तो इस विड्थ को डिफाइन कौन करेगा, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो अगर मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन की डायोड की बात करूंगा तो यहां पर डोपिंग जो कंसंट्रेशन होता है ना कि बहुत ज्यादा ज्यादा होती है ना बहुत ही कम होती है, मॉडरेट होती है। तो यहां पर डिप्लीशन लेयर भी 0.7 से 10 माइक्रोमीटर जैसा मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में, वो इसकी विड्थ होती है। अब यहां पे हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, हम बात क्यों कर रहे हैं। जब ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। अभी तो ये मोबाइल साइंस थे, फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इधर तो ये खत्म हो जाती है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो जाती है और फर्दर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब ये क्या हो जाती है, रिवर्स बायसिंग, तो ये दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगी, बायसिंग पे, ठीक है। डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड कर रही है, बायसिंग पे। तो बायसिंग पे डिपेंड इस तरह से कर रही है कि जब हम क्या कर देंगे इसकी रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायस इसी फील्ड की डायरेक्शन में होगी क्योंकि इसको हम जो एन साइड है इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल से और इसको नेगेटिव पोटेंशियल से लगाएंगे बैटरी के। तो ये फील्ड क्या होगी, ये इसी फील्ड में अप्लाइड फील्ड होगी, तो इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो बायसिंग में जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो जो मेरी विड्थ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब कैपेसिटेंस कैसे आया, कैपेसिटेंस होता क्या है, पैरेलल जो हमारे प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनके लिए जो भी चाहिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उनके बीच में, और दो प्लेटें होती हैं जिन पर अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो अपोजिट चार्जेस तो हमारे पास मिल गए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो ये पैरेलल प्लेट की तरफ वो कर रहे हैं, बीच में होता है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है,
यहां पर इमोबाइल आयंस है, कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां पर वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये जब रिवर्स बायसिंग में जो ये मेरी डिप्लीशन लेयर है, ये किसकी तरह वर्क करेगी, ये वर्क करती है किसकी तरह, कैपेसिटर की तरह, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहां पर हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज कैपेसिटर्स, क्योंकि यहां पर जो स्पेस में चार्जेस डेवलप है इनकी वजह से ये कैपेसिटेंस डेवलप हुआ है। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगा तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, V बाई डी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर V क्या है पोटेंशियल और D क्या है दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास दो प्लेट्स कौन कौन सी होंगी, एक ये प्लेट्स होगी कैपेसिटर की, एक ये प्लेट्स होगी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, बेसिकली D पे। तो अब D कैसे डिपेंड करेगी, D हम क्या होगा कि जब भी D की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, या मैं ऐसे इसको कहूं ज्यादा सही है कि जब भी आप D की वैल्यू बढ़ाएंगे C की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जब भी D की वैल्यू आप घटाएंगे C की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये D की वैल्यू जैसा मैंने बताया डिप्लेशन लेयर, ये किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन और बायसिंग पे। तो यहां पर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब ये कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिए फॉर्मूला बता दूंगा आपको मैं जनरल सा, कि आपने पढ़ा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2πRC, ठीक है। अब अगर यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा होगा। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है, कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो वो डायोड जो होगा उसको हम किसके लिए, लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज करेंगे। जब आप सी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा हो जाएगा, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा कैपेसिटेंस का, और कैसे कैपेसिटेंस डेवलप हुआ डायोड्स में रिवर्स बायसिंग की वजह से। तो ये सारा था हमारा स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है और किन किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।